अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के व्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मशहूर यूट्यूबर जिसका नाम है वेला मुंडा, उसने हमारे जानवरों की मुकम्मल तारीफ की है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों मैं जो अपनी वीडियोस वगैरह जो है मुकम्मल बनाता रहता हूं, तो वेले मुंडे ने मेरे जानवरों की और मेरे जो फार्म है उनकी तारीफ की है कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ये अच्छा काम है, इस तरह मुझे उन्होंने कहा। और यहां पर आप देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर हमारे जो जानवर वगैरह खड़े हैं माशाल्लाह से, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे जानवर हैं पड़े। यहाँ पर ये फार्म का जो शेड बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये भी है। अभी भी काम थोड़ा इसका जो है रहता है, ये इंशाल्लाह एक दो तीन दिन तक ना ये काम मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों वेले मुंडे ने तारीफ़ की और उनकी और मेरी बात कम से कम 2-3 घंटे होती रही इन्हीं जानवरों के टॉपिक पर, और भी बहुत सारी बातें थी। तो इंशाल्लाह मैंने जाना है उसके पास, तो मैं कुछ दिनों तक उधर जाऊँगा उससे मिलने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको इसके जानवरों की जो फार्मिंग है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि फार्मिंग कैसे होती है, इसके बारे में सारी आपको मुकम्मल जो है डिटेल्स दूंगा। तो दोस्तों जो मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया था, मैंने 6 बछड़ों से ये वाला काम स्टार्ट किया था, तो माशाल्लाह से आज आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत सारे जो हैं जानवर वगैरह ना खड़े हैं आपके सामने हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप इधर बछड़ा फार्मिंग के अंदर इन्वेस्ट करें, तो इसका भी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हासिल होगा। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक बछड़ा लेते हैं 40,000 रुपये का नॉर्मल वेट के अंदर, मैक्सिमम 2.5 मन या 3 मन का बछड़ा ले लेते हैं, तकरीबन वो 61,000 का बछड़ा आएगा। तो अगर आप उसको 3 महीने का प्रोसीजर बनाते हैं ना, 3 महीने का प्रोसीजर, वो आपके लिए कम से कम 3 महीने के अंदर खा करना कम से कम 5-1 मन अपना जो है वज़न बढ़ा आएगा। तो दोस्तों वो आपका बछड़ा कम से कम 160-170 का सेल होगा। तो आप ये देखें कि एक बछड़े के अंदर तकरीबन मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ना आपको 70 से 80 हज़ार बच सकता है। अगर आपके पास 5 होंगे तो आप वो 70 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करके आप देख सकते हैं कि मुझे 3 महीने के बाद कितना प्रॉफिट हासिल होता है। दोस्तों इनकी खुराक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था इनकी खुराक क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ गाइड करूंगा कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो साइलेज और वंडा इस्तेमाल करें। अगर मज़ीद गर्मियों के अंदर जो खुराक है वो जानवरों को नहीं लगती, तो उसके लिए मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगा, सूढ़ी ले लें, गंदम को पिसवा के उसका जो डाला होता है वो बनवा लें, ठीक है ना, सूढ़ी ले लें और आप तूड़ी ले लें। दोस्तों ये 4 चीज़ें अगर आप अपने बछड़ों को गर्मियों के अंदर रूटीन के साथ खुराक देते हैं सुबह शाम, तो दोस्तों ये जो खुराक है ये अमूमन ठंडी होती है, तो ये आप जानवरों को दे सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में अगर हम इस तरह कोई और गर्म चीज़ देते हैं तो दोस्तों वो जानवरों को नहीं लगती। दोस्तों और बात बता रहा हूँ, अगर किसी के पास अपने ज़मीनें वगैरह हैं, अगर वो साइलेज खुद बनाता है, मकई खुद वो करता है, तो अपना ये साइलेज और बना सकता है और मंडा भी ख़रीद कर जानवरों को डाल सकते हैं। दोस्तों इससे अच्छा कोई और काम दुनिया में है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर जाकर इतना पैसा कमाते हैं, तो दोस्तों ये घर में बिजनेस स्टार्ट करके इतना पैसा आप कमा सकते हैं। तो बाहर जाने का कोई फ़ायदा और कोई हिसाब किताब भी नहीं है कि भाई बंदा घर से बाहर जाए कमाने के लिए, फिर 2-3 साल कमाता रहे, तो फिर दोस्तों वो कुछ इस तरह बनती नहीं है। घर के अंदर रहकर ये बछड़ा फार्मिंग करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो करम करेगा। और ये काम बहुत ही अच्छा है, जिसने भी देखा है उसने तारीफ़ की है। दोस्तों ये काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँगा, जानवरों की जो ग़िज़ा के बारे में, अगर जानवर को भूख नहीं लगती या कम पानी पीता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। अगर जानवरों को भूख नहीं लगती दोस्तों, हफ्ते के अंदर एक दिन आपने डेली
हफ्ते को मतलब कि संडे के संडे डेली आपने इनको चटनी देनी है। चटनी से मुराद प्याज टमाटर इस तरह बना कर मिक्स करके आप दे सकते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह फिर जो जानवर है वो पेट फुल करके खाएगा, उसका हाजमा होगा। नमक जो होता है ये जानवरों को अगर देते हैं तो ये पानी की प्यास लगवाता है और ये जानवर जो है ना पेट फुल करके पानी पीते हैं। तो दोस्तों इन जानवरों के बारे में मैंने आपको मुकम्मल डिटेल दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।